इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आपका स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, हर हुनर की एक खासियत होती है और इसीलिए अपने हुनर में माहिर हुनरमंद युवाओं की डिमांड भी बहुत बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा यह प्रयास रहता है कि हम आपको एक ऐसे हुनर की जानकारी दें जिसकी ना सिर्फ डिमांड हो बल्कि आप उसे अपना करियर बनाकर आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हुनर की जानकारी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की हाइलाइट से। इंडस्ट्रियल वेल्डर बनकर युवा कर रहे हैं अच्छी कमाई, कौशल प्रशिक्षण के जरिए कैसे बने इंडस्ट्रियल वेल्डर, लीजिए सरकार की योजनाओं की जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स, कैसे कर रहे हैं कारोबार की शुरुआत और अंत में ले जानकारी कि कहां कहां निकली है आपके लिए नौकरी। दोस्तों, अगर हम आपसे वेल्डिंग के बारे में पूछें तो आपके दिमाग में अपने घर के बगल में किसी वेल्डर की छवि आ रही है। लेकिन आपको बता दूं, इंडस्ट्रियल वेल्डिंग की बारीकियों की जानकारी रखने वाले कुशल हुनरमंद युवाओं की बहुत तादाद में डिमांड है। हमारा आज का एपिसोड इसी खास हुनर के बारे में आपको जानकारी देगा। तो आइए देखते हैं हुनर से सफलता की कहानी। हुनर के विकास से जिंदगी की मुश्किलें किस तरह से कम होती हैं, इसी की मिसाल हैं प्रीतम और इनके दोस्त। ये दोनों किसी तरह से नौकरी करके अपने घर का खर्च चला रहे थे, लेकिन भरपूर मेहनत के बावजूद इतनी कमाई नहीं हो पाती थी जिससे घर का खर्च अच्छी तरह से चल सके। चार तो बच्चे हैं मेरे, घर वाली है, मम्मी है, पापा हैं। तंगी रहती थी सर, 8,000 रुपए में कुछ नहीं होता था। स्कूली शिक्षा भी इतनी नहीं थी कि अच्छी नौकरी मिल सके। 12वीं क्लास में पास हुआ था तो सर, मैं 12th पास करने के बाद सर घर में ही था, मैं कुछ कर नहीं रहा था। जिंदगी की जद्दोजहद में लगे इन दोनों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत चलाए जा रहे इंडस्ट्रियल वेल्डिंग के कोर्स की जानकारी मिली। जानकारी लेकर इन्होंने इंडस्ट्रियल वेल्डिंग में प्रशिक्षण लेना शुरू किया। मैं वेल्डर में इंटरेस्ट रखता था, इसलिए मैंने वेल्डिंग का कोर्स देखा तो उन्होंने मेरे को 45 डेज का कोर्स बताया, जिस कोर्स में मैंने यहाँ से वेल्डिंग का कोर्स किया। यहाँ से कोर्स करके मेरे को सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ, उसके बाद मेरे को यहाँ से जॉब भी प्राप्त की गई। हुनर में प्रशिक्षित होने से आज इनकी जिंदगी बदल गई है। इनकी नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग गई जहाँ से सैलरी भी अच्छी मिल रही है। इसके साथ ही जिंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते भी खुले हैं। इस कोर्स को पूरा करने के बाद सर मेरी तनख्वाह में काफी बढ़ोतरी आई है और सर जहाँ भी जाता हूँ सर, मतलब सब ये कहते हैं कि मतलब कि आपको, आपके पास डिप्लोमा है या मतलब कि ITI है नहीं। अब सर इसको करने के बाद सर मतलब कंपनी ने ले लिया मेरे को और सर सैलरी मेरी अच्छी हुई। हुनर के विकास ने इनकी जिंदगी में खुशियां भर दी हैं और ये चल पड़े हैं तरक्की के रास्ते पर। विकास के रास्ते पर चल पड़े ये लोग उदाहरण हैं कि कैसे कौशल प्रशिक्षण से तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं और जिंदगी की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्किल इंडिया मिशन के तहत युवाओं को ऐसे जॉब रोल्स के लिए तैयार कर रही है जहां उन्हें नौकरी आसानी से मिल जाए। इसलिए इंडस्ट्रियल वेल्डिंग की डिमांड को देखते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को हुनरमंद बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है उसने युवाओं के लिए कई तरह के अवसर भी पैदा किए हैं। कई ऐसे जॉब्स हैं जिनकी डिमांड हर इंडस्ट्री में हमेशा बनी ही रहती है। इन्हीं कुछ खास जॉब्स रोल्स में से एक है इंडस्ट्रियल वेल्डर। इंडस्ट्रियल वेल्डिंग में कुशल हुनरमंद लोगों की डिमांड आज तकरीबन हर इंडस्ट्री में है। वेल्डिंग इस तरीके का आर्ट फॉर्म है जिसमें आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए तो कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही यूथ के लिए बहुत एस्पिरेशनल है।
क्योंकि इसमें कोई एक एंट्री कंडीशन में बहुत हाई एजुकेशन नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि पहले से आपको बहुत एजुकेशन चाहिए जो आपको आनी चाहिए, एंट्री नहीं बैरियर नहीं है। और सेकंड स्किल पे है तो आप जितना अच्छा हाथ का काम कर लेंगे उतनी आपकी इनकम हो सकती है। वेल्डिंग का काम इंडस्ट्री में अलग अलग लेवल पर खास महत्व रखता है। इसमें जैसे जैसे युवा हुनरमंद होते जाते हैं, न सिर्फ उनके काम करने का स्तर बढ़ता जाता है बल्कि सैलरी भी बढ़ती जाती है। वेल्डिंग की डिमांड इंडस्ट्री की शुरुआत से आखिरी स्टेज तक बढ़ती ही जाती है। आज एविएशन सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन हो या फिर शिपिंग, हर बड़ी और छोटी इंडस्ट्री में इसकी डिमांड बड़ी तादाद में रहती है। अगर युवा लगातार वेल्डिंग के काम में खुद को अपग्रेड करते रहते हैं और अच्छे प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल वेल्डर बन जाते हैं तो बहुत अच्छी सैलरी पा सकते हैं। कुछ खास वेल्डर्स की सैलरी लाखों तक होती है, बस जरूरत होती है हुनर की बारीकियों को जानने की। अंडरवाटर वेल्डिंग या हाई राइज वेल्डिंग, ये दो हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट फील्ड्स हैं जो जिसमें जॉब्स अवेलेबल हैं। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड जॉब हैं और बहुत ही कम हैं, लेकिन हाँ जॉब्स अवेलेबल हैं। और ये इन वेल्डिंग में क्या होता है कि हाई राइज वेल्डिंग में आपको हाइट पर काम करने की आदत होनी चाहिए, तो आपको रोप के साथ लटक के पूरी वेल्डिंग कात में करनी होगी, तो एक डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। इसी तरह अंडर वाटर वेल्डिंग जो कि शिप्स में बहुत यूज़ होती है, तो ये डेक्स में शोर्स में यूज होती है, जहाँ पे आपको डाइविंग भी आनी चाहिए और वेल्डिंग भी आनी चाहिए। तो आप अंडर वाटर डाइविंग करते हैं फिर वेल्डिंग करते हैं, तो दो स्किल का कॉम्बिनेशन है। और एक हायर ऑर्डर वेल्डिंग है, वो टफ कंडीशन में वेल्डिंग है जिसके लिए उनकी पे भी बहुत ही अच्छी होती है। इंडस्ट्रियल वेल्डिंग में हुनरमंद युवाओं की मांग को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर कैपिटल गुड सेक्टर स्किल काउंसिल के जरिए युवाओं को इंडस्ट्रियल वेल्डिंग में कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरमंद बनाकर जॉब्स के लिए तैयार करने का काम कर रही है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जो हम वेल्डिंग ट्रेनिंग का कोर्स कराते हैं, पहले हम मोबिलाइजेशन टीम जाती है हमारी, देखती है फील्ड में जाके बच्चों को, उनको वेल्डिंग के बारे में समझाती है हर तरीके से। उसके बाद में हम प्लेस उसके बाद हमारे यहाँ पर जैसे एंट्री गेट में आ जाते हैं, तो यहाँ पे बच्चों को काउंसलिंग सेल में ले जाते हैं। काउंसलिंग में जाने के बाद उनको कोर्स के बारे में बताया जाता है कि अगर आप वेल्डिंग का कोर्स करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बच्चों को बताया जाता है, आइडेंटिफाई कराया जाता है, तभी वो यहाँ पे फिर वर्कशॉप में आते हैं हमारे पास, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में आते हैं, फिर हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों को कि आप यहाँ पे वेल्डिंग का जो कोर्स करोगे तो आपको इंडस्ट्री में ग्रोथ हो सकती है, अपना काम कर सकते हो, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हो अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हो। जो भी युवा इंडस्ट्रियल वेल्डिंग में प्रशिक्षण हासिल करना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जानकारी लेकर या फिर NSDC की वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करके कौशल प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं। भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन ने युवाओं को कौशल विकास का एक बड़ा मौका दिया है, जिससे वो अपने हुनर से अपनी जिंदगी संवार कर अपने लिए विकास और तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं। दोस्तों, स्किल इंडिया मिशन की वजह से युवाओं को अपने हुनर की शक्ति को बढ़ाने का मौका मिल रहा है और कौशल प्रशिक्षण लेके वो अपने सपने को साकार कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम देखेंगे, लीजिए सरकार की योजनाओं की जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स कैसे कर रहे हैं कारोबार की शुरुआत। महेश, क्या चेयर बनाया, तेरे हाथ में कुछ जादू है। क्या भाव, जादू तो आपके हाथों में। ओए, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है भाव, मैं तो सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ा हूँ। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, तुमने एक लकड़ी के टुकड़े से क्या माइंड ब्लोइंग चेयर बनाया। महेश को चाय दो। जब मेरे हाथ में लकड़ी का बैट होता है ना, मैं भी थोड़ा कुछ कर लेता हूँ। थोड़ा, हम दोनों के इन हाथों में हुनर है, कारपेंटर हो या क्रिकेटर, हुनर होना जरूरी है। तो फर्क क्यों, मतलब हम में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल नहीं है भाव, ये बात बस आप मेरी बीवी को बता दो। ये बात महेश तो समझ गया, और आप, आई सपोर्ट स्किल इंडिया, आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ और सीखिए वो हुनर जो ना सिर्फ आपको दे रोजगार पर समाज में दे सम्मान जिसके आप हकदार हैं। कौशल भारत, कुशल भारत। देखिए
हर शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल चैनल पर। आपकी बात। दोस्तों, अगर आप कोई काम शुरू करना चाहें और उस काम की जानकारी आपको कोई एक्सपर्ट या हुनरमंद इंसान दे तो आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने इस प्रोग्राम में आपको मिलवाते हैं किसी न किसी फील्ड के ऐसे एक्सपर्ट से जो आपको गाइड कर सके और आपके सवालों का जवाब दे सके। तो आइए देखते हैं हमारे एक्सपर्ट आपको क्या सलाह देते हैं। भारत सरकार के मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया मिशन ने सभी के लिए कई अवसर पैदा किए हैं। आज हमारे युवा इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपने लिए रोजगार और आगे बढ़ने के रास्ते खोल सकते हैं। भारत सरकार सेक्टर स्किल काउंसिल के जरिए युवाओं के लिए अलग अलग तरह के जॉब्स रोल बनाकर उन्हें कौशल प्रशिक्षित करने का काम कर रही है। कैपिटल गुड सेक्टर स्किल काउंसिल युवाओं को कई तरह से कौशल प्रशिक्षण देने का काम करती है। इन्हीं जॉब्स रोल्स में से एक है इंडस्ट्रियल वेल्डिंग, जिसकी इंडस्ट्री में आज बहुत मांग है। वेल्डिंग एक बहुत ल्यूक्रेटिव कैरियर है और उसके इतने सारे प्रोसेसेस हैं जो कि एक नया वेल्डर सीखे उसको और प्रैक्टिस करके आगे बढ़े और नए कोर्सेज करे आगे बढ़ता रहे। और केवल कैपिटल गुड्स के अंदर नहीं, वेल्डिंग की ज़रूरत तकरीबन हर एक सेक्टर के अंदर है। कंस्ट्रक्शन के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, शिपिंग के अंदर, पेट्रोकेमिकल के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर, तो वेल्डिंग की एम्प्लॉयमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो जो हमने कोर्सेज बनाए हैं वो इस ढंग से कोर्सेज बनाए हैं कि एक वेल्डर लेवल 2 ऑफ NSQF से लेके लेवल 5-6 तक उसके ऊपर प्रोग्रेस कर सकता है और जिस तरह की मार्केट में रिक्वायरमेंट है उस तरह का कोर्स करके, प्रैक्टिस करके उस तरह के सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट तलाश कर सकता है। जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे उसकी क्वालिफिकेशन और प्रैक्टिस बढ़ेगी, उसकी सैलरी का स्कोप भी बढ़ता रहेगा। कैपिटल गुड सेक्टर स्किल काउंसिल युवाओं को इंडस्ट्रियल वेल्डिंग का प्रशिक्षण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए देने का काम करती है, जिससे युवा ज्यादा से ज्यादा इस वेल्डिंग में अपना करियर बना सकें और साथ ही इंडस्ट्री को अच्छे कामगार युवा मिल सकें। वेल्डिंग के लिए अफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो हमारे सेक्टर स्किल काउंसिल से भी अफिलिएटेड हैं। उनकी सारी लिस्टिंग जो PMKY के अंदर आते हैं उनकी सारी लिस्टिंग PMKY की वेबसाइट के ऊपर है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ अफिलिएटेड जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनकी लिस्टिंग सारी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो वो अपने इलाके में जहाँ पर वो रहता है अगर उस इलाके को ढूंढना चाहे वहाँ पर उसको कोई ना कोई वेल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर मिल जाएगा जहाँ पर वो जाकर ट्रेनिंग कर सकता है। इसके साथ ही सरकार का प्रयास है उन युवाओं को भी करियर के अच्छे अवसर मिल सके जो हुनरमंद तो हैं लेकिन उनके पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, जिस कारण उन्हें अच्छी नौकरी मिलने में दिक्कत आती है। इसके लिए RPL योजना के जरिए इन्हें सर्टिफाइड करने का काम भी किया जा रहा है, जो हुनरमंद लोगों को अच्छी नौकरी दिलाने में बहुत ही सहायक साबित होता है। वेल्डिंग का स्कोप इतना ज्यादा है कि इसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का के रूट से भी कैंडिडेट जा सकता है। प्रोफेशनल वेल्डर्स ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, प्रोफेशनल वेल्डर्स अंडर वाटर वेल्डिंग के लिए काम करते हैं, प्रोफेशनल वेल्डर्स गैस पाइपलाइंस के ऊपर काम करते हैं, प्रोसेस प्लांट्स, बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशलाइज वेल्डिंग की ज़रूरत होती है। तो हर लेवल के ऊपर स्पेशलाइजेशन और सर्टिफिकेशन की वैल्यू बढ़ती रहती है और उससे सैलरी भी उसकी इंक्रीज होती रहती है। इंडस्ट्रियल वेल्डिंग के महत्व और बारीकियों को समझते हुए अलग अलग स्तरों पर युवाओं की कौशल क्षमता के अनुसार उन्हें लगातार अपस्किल्ड भी किया जाता है, जिससे युवा अच्छे हुनरमंद बन सकें और अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जा सकें। कौशल विकास और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कैसे कर रहे हैं कारोबार की शुरुआत, कहां कहां है आपके लिए जॉब के अवसर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। देखिए हर शनिवार सुबह 9 बजे
सिर्फ डीडी नेशनल चैनल पर। आपकी बात। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया दिल्ली की हुनरमंद महिलाओं ने। इन अंडर प्रिविलेज महिलाओं ने अपने खुद के कपड़े के ब्रांड की शुरुआत की है। आइए देखते हैं। मन लगाकर कपड़ों को बनाती सवारती ये महिलाएं अपने भविष्य को भी सवारने का काम कर रही हैं। गरीबी से निकलकर अपना मुकाम बनाने में लगी ये महिलाएं आज खुद का कपड़ों का डिजाइनर ब्रांड माहिरी निकालने की तैयारी कर रही हैं। छोटे छोटे घरों में बैठी हुई महिलाएं सुई धागे से काम कर रही होती हैं, मोती पेरो रही होती है, जिसका मिलता क्या है ना 5 रुपया 10 रुपया, और वही पीस आगे जाके लाखों में बिकता है। इनकी पहचान भी सामने नहीं आती कि ये किसने बनाया और किसने तैयार किया, और इनको इनका मेन ताना भी नहीं मिलता। तो मुझे और वाउस को, हमारी टीम को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ ये कर रही हैं, ये बाहर देश विदेश में जा रही है, और क्यों ना इनको एक इनकी पहचान दी जाए। तभी हमने ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे जहाँ पर ये सीखेंगी और कमाएंगी भी। माहिरी एक नाम नहीं बल्कि इन महिलाओं के जीवन को सवारने का प्रयास है, जिसके लिए ये महिलाएं एक होकर मेहनत कर रही हैं। भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए देश की नामी कंपनी ONGC ने अपने CSR के जरिए दिल्ली की रहने वाली इन गरीब तबके की महिलाओं को विजन फॉर ओएसिस वेव सोसाइटी यानी वोप्स के जरिए सिलाई कढ़ाई और कपड़े बनाने का कौशल प्रशिक्षण दिलाया है। हमने जो कपड़े सिले हैं वो बाहर की महिलाएं पहने, और मैं चाहूंगी कि मेरे जैसी और भी महिलाएं यहां आकर वाउस में ट्रेनिंग लें, सीखें और अपने पैरों पर खड़ी हों, ताकि वो अपने भविष्य में कुछ कर सकें, अपना एक मुकाम हासिल कर सकें। वोप्स पिछले 10 सालों से गरीब तबके की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, बच्चों की शिक्षा और गरीब लोगों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए काम कर रहा है। ये एक ONGC फंडेड प्रोग्राम था जिसमें स्किल डेवलपमेंट के थ्रू उन नीडी वीमेन एंड गर्ल्स को एक सस्टेनेबल प्रोग्राम के तहत इस तरह की स्किल प्रोवाइड करानी थी जिसमें कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, और इस ब्रांड लॉन्च के बाद जो उनके प्रोडक्ट्स होंगे वो मार्केट में आएंगे, और जिससे कि वो हमेशा के लिए अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। इसी प्रयास का नतीजा है कि ये महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं। हमारे दिमाग में यह आइडिया इसलिए आया ताकि हम उन औरतों में जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें, और जिससे वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकें और उनमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आए, क्योंकि वे शुरू से ही अपने आप को बहुत दबा कुचला समझती हैं, उनका जीवन में कोई इतना एक्सपोजर नहीं रहा है। इस प्लेटफॉर्म से उन्हें एक खुद का मुकाम समाज में बनाने की का चांस मिलेगा। हुनर का प्रशिक्षण हासिल कर लेने के बाद ये महिलाएं नौकरी के बजाय अपना कुछ काम करना चाहती थीं। इसके लिए इन्होंने अपना ब्रांड बनाकर कपड़ों को बेचने के बारे में सोचा। सोच तो थी लेकिन ना तो सुविधाएं थीं और ना ही पूंजी। काफी टाइम से मैं ये सोचती थी मैं सिलाई सीखूं, लेकिन इस उम्र में जाके मैंने कुछ सीखा है और कुछ अपने रोजमर्रा के खर्चे मैंने अपने निकालना सीखे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि उम्र का कोई टाइम नहीं होता, जब मर्जी सीख सकते हो। बच्चे भी सीख सकते हैं, बड़े भी सीख सकते हैं, बूढ़े भी सीख सकते हैं, मन आए जब सीख सकते हो, और उसमें अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ आगे बढ़ भी सकते हो, खर्चे भी निकाल सकते हो। लेकिन जब सोच मजबूत होती है तो रास्ते मिल ही जाते हैं। कुछ ऐसे ही हुआ इन महिलाओं के साथ भी। इनकी मदद के लिए फैशन डिजाइनर ने इनकी मदद की और शुरुआत हुई हुनर में माहिर इन महिलाओं के अपने ब्रांड माहिरी की। उन लड़कियों के अंदर बहुत सीखने की इच्छा है, बस उन्हें एक जागरूक करने के लिए जरूरत है कि हम उनको किसी तरीके से मोटिवेट करें, और हमें खुशी है अपनी इस एजुकेशन को हम अपनी 70 लड़कियां 80 लड़कियां 150 लड़कियां और आगे आने वाले टाइम में हजारों लड़कियों तक बांट सकें, जिससे कि ये हमारा जो ब्रांड है जिसके अंदर वो काम कर सकें, उससे उनको रोजगार मिल सके और वो अपने घर का बच्चों का पालन पोषण कर सके। वो लड़कियां जो आज आत्मनिर्भर होना चाहती हैं पर उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, इसी तरीके से आज हमें खुशी होती है कि हम उनको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं।
घर गृहस्थी में लगी इन महिलाओं को अलग अलग काम करने में दिक्कत आती थी। इनकी परेशानी को समझते हुए संस्थान ने इनको साथ मिलकर काम करने का सुझाव दिया। इसी का नतीजा है कि आज ये महिलाएं अपना ब्रांड निकाल रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट वाउज ने शुरू किया है, जिसका नाम है माहिरी। और इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 75 महिलाओं को न केवल प्रोफेशनली ट्रेंड किया गया है, बल्कि उन्हें गारमेंट्स बनाने के लिए इतना कुशल बनाया गया है कि वो आज की फैशन मार्केट में, आज की कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रतिस्पर्धा कर सके। हुनर के विकास से न केवल मुश्किलें कम होती हैं, बल्कि जिंदगी में तरक्की के रास्ते भी खुल जाते हैं। ये विमेन एम्पावरमेंट का ये सबसे अनूठा एग्जाम्पल है कि जिसके अंदर ये जो लेडीज हैं, ये एक अच्छे किसी भी ब्रांड से अपने आप को कंपेयर कर रही हैं, और इनका ब्रांड जो है माहिर ब्रांड, वो किसी भी एक फैशनेबल ब्रांड के साथ आज वो बाजार में कॉम्पीट करता है। और किसी भी किस्म के, अलग अलग किस्म के फैशन गारमेंट्स ये लोग बना रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इनका सबसे बड़ी चीज़ जो इनको मिली वो है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आज की डेट में हम लोग, यस हम कोशिश करते हैं कि उनको जॉब मिले, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले, यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अलावा उनका आत्मसम्मान जो बढ़ा है, क्योंकि आज वो एक बाजार में, मार्केट में वो कॉम्पीट कर रही हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं और बाकायदा कॉम्पीट कर रही हैं पूरे वर्ल्ड के साथ। तो इससे बड़ा एक आत्मसम्मान की और कोई एग्जाम्पल मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। हुनर के विकास से तरक्की की मिसाल हैं ये महिलाएं, जिन्होंने कौशल विकास के जरिए अपने सुनहरे भविष्य के रास्ते खोल लिए हैं और अपने हुनर की पहचान बनाने में लग गई हैं। हर किसी का सपना होता है कि उसे एक अच्छी सी नौकरी आसानी से मिल जाए। आपकी इसी समस्या को देखते हुए हम लाते हैं अपना अगला सेगमेंट, एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो आइए देखते हैं इस हफ्ते कहां कहां नौकरियां निकली हैं और आप कब और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव बिजनेस डेवलपमेंट मार्केटिंग ऑफिसर के लिए युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 जून 2018 है। अधिक जानकारी www.nvvn.co.in पर ली जा सकती है। ग्रामीण डाक सेवा उत्तराखंड सर्किल में ग्रामीण डाक सेवक के लिए 10वीं पास युवा अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 जून 2018 है। अधिक जानकारी www.appost.in/gdonline पर ली जा सकती है। RSM SSB में लाइब्रेरियन के लिए युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 जुलाई 2018 है। अधिक जानकारी www.sso.rajasthan.gov.in पर ली जा सकती है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल को। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, हुनर चाहे कुछ भी हो, उसकी कद्र और डिमांड हमेशा रहती है। बस जरूरत है आपको अपनी काबिलियत को पहचान कर उसे आगे बढ़ने की। इसी बात पे मैं आपको महान कवि हरिवंश राय बच्चन की महान कविता मधुशाला की दो पंक्तियां सुनाता हूं। अलग अलग राह बतलाते सब, असमंजस में है पीने वाला, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने हुनर को पहचानिए, अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि कोई आपके कौशल को नकार न सके, फिर देखिए कैसे मिलती है आपको सफलता। ऐसे ही हुनर और सफलता की कहानियां हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन वक्त हो गया है विदा लेने का। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत, कुशल भारत।
सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल।